अब अगला एक है कि जो तत्व होता है, ठीक है, तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। इस चीज को लिखो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी भी तत्व का जो मूल लक्षण हो परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। एक है तुम्हारा यौगिक परमाणु, ठीक है, एक बस एक नाम है, इसको देख लो एक बार। वो लिख लिए, क्या होता है, किसी भी तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, उसका परमाणु भार नहीं है। अब ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया है, ठीक है, इस चीज की जो इम्पोर्टेंस है तुम लोगों को तब पता चलेगी जब तुम लोग पढ़ोगे आवर्त सारणी, ठीक है। अब हमने आवर्त सारणी क्यों पढ़ते हैं, इसकी हम चर्चा और भी करेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि शुरू शुरू में हमारे कुछ बहुत कम तत्व थे, जो भी हमारे परमाणु थे वो क्या थे, बहुत कम थे। सपोज शुरू में जो मिले होंगे, मान लो 10-15 मिले, तो लोगों ने मान लो कि 10-15 है कोई भी तत्व, तो उसको ऐसे रखना आसान है, रख दिया। अभी हमें जो है 15-20 तक तो ऐसे ही याद रहता है परमाणु तत्व के नाम, तो क्या हुआ, 10-15 तक तो था, ठीक है, सब लोग याद कर लिए, चाहे कैसे भी हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख लिया। लेकिन फिर जैसे जैसे खोज बढ़ती गई, क्या हुआ, तत्वों की संख्या क्या हुई, बढ़ती बढ़ते बढ़ने लगी, ऐसे बढ़ रही। अब क्या, और लोगों ने सोचा कि अगर ऐसे बढ़ती रहेगी तो इसको याद रखना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि तुम्हें क्या रखना होता है, व्यवस्थित ढंग से रखना होता है, कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, इसके बारे में पढ़ना हो, तो व्यवस्थित रहेगा तभी हम पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और होता है कि जब भी कोई भी प्रयोग किया जाता है तो उसको इस तरह से रखा जाता है, देखा जाता है इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, किस चीज़ को ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा इनमें पैटर्न बन रहा है, कि ऐसे जो है मिल रहे हैं, कुछ पैटर्न नया नहीं है, तो उस बेस पर जो है इनका कुछ किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है इनको। तो जो हमारे तत्व मिलते गए, इनमें पहले तो स्टार्टिंग में कुछ अलग अलग वैज्ञानिक आए, जो शुरू शुरू में कुछ अलग अलग अपना मत देते गए, किस तरह से इनको रखेंगे तो हमारा जो याद करना आसान होगा, ऐसे रखेंगे। उसमें तुम लोग पढ़ोगे तो बहुत सारे उसमें आए थे। फिर एक आए मेंडलीव करके, ठीक है, मेंडलीव करके आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम अगर जो है परमाणु जितने भी उनके द्रव्यमान के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो जितने भी हमारे वो हैं उनको हम काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं, और उनके जो वो क्या बोलते हैं कि जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितने गुण हैं, वो एक दूसरे से मिल रहे थे। उन्होंने एक ऐसा टेबल बनाया, ठीक है। अब इसलिए जो है टेबल की ज़रूरत पड़ी कि अगर सपोज ये जो एक क्या है, एक कॉलम है, रो कैसे होता है, रो इधर पड़ते हैं, ठीक है। अगर सपोज हम इस तरह से ये बना दिए, इनमें क्या है, ये वाला जो तुम्हारा रहेगा पूरा क्या है, ये रो है, ये वाला भी क्या है, रो है, ये वाला रो है, लेकिन अगर ऐसे ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो कॉलम रहेगा, ये क्या है, ऊपर से नीचे कॉलम। इसको लिख लो, ये भी बहुत जरूरत पड़ेगी, इस तरह से बना लो, ठीक। इस तरह से बनाने के बाद ये वाला तुम्हारा क्या रहेगा, ये रहेगा रो, और ये वाला रहेगा तुम्हारा कॉलम रहेगा, ठीक है। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आवर्त, तो इसको वर्ग बोलते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अब उन्होंने ऐसा कुछ बनाया कि अगर हम इसमें ऊपर से देखेंगे, इसमें अगर हम देखें एक जो है कॉलम में, तो जितने भी हमारे परमाणु रहे हैं उनके क्या हो, रासायनिक गुण लगभग समान हो, ठीक है। यानी कि हमें जो है अगर एक के बारे में काफ़ी जानकारी है तो हम बता सकते हैं कि इसकी क्या होगा, इसके बारे में कुछ हम बता सकते हैं बिना इसके बारे में पढ़े। यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो हम इसके बारे में बता सकते हैं, तो इसलिए जो है आवर्त सारणी की जरूरत पड़ी। और अभी तक हमारे 119-120 तत्व हैं, अगर उनको मैं ऐसे लिखते जाऊँ तो बहुत बड़ा होगा, और एक एक के बारे में ऐसे याद रखना, कुछ की जो है क्या बोलते हैं एटम, यानी कि जो परमाणु की त्रिज्या कितनी है, उसका साइज क्या है, उसका भार क्या है, उसको, ठीक है, और किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या किया गया कि ऐसे जो एक आवर्त सारणी बनाई गई और उसमें रखा गया, तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में जब कम तत्व थे तो उन्होंने जब परमाणु भार के क्रम में रखा था, बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या हुआ कि जो
प्रॉपर्टीज हैं जो मतलब कि गुण हैं, जो रासायनिक गुण की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या थे, लगभग इस तरह से मिल रहे थे एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन फिर जब जैसे जैसे खोज और बढ़ी तत्वों की, फिर हमें प्रॉब्लम आने लगी कि कहीं कहीं पर ऐसे तत्व आने लगे कि वो एक दूसरे से कुछ मतलब कि एकदम ही मेल नहीं खा रहे थे, एकदम ही अलग थे, ठीक है। इस वजह से फिर क्या करना पड़ा, इस वजह से फिर जो है आधुनिक जो आई आवर साड़ी, उसमें ये चीज देखा गया कि अगर हम उनको जो जो उनकी आवर साड़ी थी उसी में अगर तत्वों को हम क्या करें, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख दें, तो हमारा क्या होगा, ये जो आवर साड़ी है अगर एक कॉलम को देखें तो उसमें जो है उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरह से जो उन्होंने देखा कि एक तत्व का अगर हम बात करें उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक ही होता है, यानी कि अगर जो है दो, कोई भी दो परमाणु हो उनका जो परमाणु क्रमांक कभी भी समान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तुमने क्या देखा था, अब देखो अभी मैंने तुमको बताया, अगर मान लो कि तुम रखते हो इसमें बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हो, तो तुमने अभी देखा कि परमाणु भार दो का समान हो गया, हाइड्रोजन का और हीलियम का समान हो गया। अब इसमें किसको पहले रखोगे तुम, नहीं समझ में आ रहा, या तो तुम एक ही जगह पर रखो दोनों को, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम उनमें आने लगी थी, और ये सब तुम आगे पढ़ोगे कि यही सब कुछ उनके जो कमियां थी उनके आवर साड़ी की, ठीक है। तो मैंने इनडायरेक्टली तुम लोग को आवर साड़ी की भी थोड़ी सी नॉलेज दे दी है, लेकिन ये किस चीज़ पर मैंने दिया है कि जो किसी भी जो परमाणु हो, कोई भी परमाणु, उसका जो परमाणु क्रमांक होता हो क्या होता है, एक उसका एक ऐसा गुण है जो दूसरे परमाणु के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक परमाणु, उसका जो परमाणु क्रमांक रहेगा वो अलग रहेगा, दूसरे का अलग रहेगा, कभी भी एक दूसरे का, किसी भी एक दूसरे का कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने उसके क्या लिखा, मूल लक्षण। मूल लक्षण का मतलब होता है कि वो जो है जो भी उसकी प्रॉपर्टी रहेगी वो किसी और से नहीं मिलेगी, ठीक। ये जो ये एक जो पॉइंट है ये इसी पर है, आवर साड़ी पूरी इसी पर है, हमारी आधुनिक आवर साड़ी है, ठीक है। और एक चीज अभी मैं यहाँ पर एक टर्म लिखा हूँ, एक वर्ड लिखा हूँ, यौगिक परमाणु। यौगिक परमाणु कुछ नहीं है, यौगिक का मतलब तुम लोगों ने क्या समझा था कि जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो जो परमाणु होता है परमाणु को ही हम मिला दें, अगर मिलाते हैं, ठीक है, परमाणु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अणु बनेगा। तो क्या यौगिक परमाणु का मतलब अणु है, ठीक है। तुम्हें कभी ऐसा नाम अगर मिल जाए तो उसका मतलब क्या समझना, ये कोई नया चीज नहीं है, ये सब नोट कर लो अभी जल्दी से।